सर बात यह है कि मणिपुर में क्या देखा, मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहन को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधार रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधार रहते थे उस समय द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई थी, आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैं। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी कि आइधर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए, हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्यपद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया, मेरे बोलने के साथ बात किया जाएगा। आपने समय दिया सर, इसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता, मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पा रहे। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता, आपको क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, चर्चा की मुद्दा है, आप मुद्दा पे बोलिए सर, मुद्दा पे तो बोलते हैं।